प्रदेश की खट्टर सरकार भले ही गरीबों के हितेशी होने का ढोंग करते नहीं थकती हो, लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी है कि सरकार की नीतियों को पलीता लगाने में पीछे नहीं है। यही कारण है कि अधिकारियों के कथित संरक्षण के चलते गरीबों को सस्ती दरों पर मिलने वाला राशन डिपो होल्डर डकार रहे हैं और लोगों को लगातार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों को आमजनों की समस्याओं से कितना सरोकार रह गया है। सुनीता, क्या कहना चाहोगे, कब से आपको राशन नहीं मिल रहा है? 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा। क्या कहता है डिपोदार? डिपोदार वो क्या कहता है, मनमोहन का था डिपो होल्डर हमारा, उसने दे दिया मेडिकल, उसके बाद भी वो कहता है भाई मैंने तो मेडिकल दे दिया, अब आप जाओ और आप डिपो होल्डर। अब डिपो होल्डर बजा तो वो कहते हैं मनमोहन को जाओ, इसी चक्कर में हमारा राशन नहीं मिल पा रहा। और 2 महीने के लिए राशन महेश के उस करा भी था तखट्टी को में, अब उसने ही मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे राशन। क्या आप किसी अधिकारी से मिले? कई बार इनके अंदर 6 महीने तो क्या, क्या क्या आश्वासन दिया फिर उन्होंने? आश्वासन ये दिया आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आप घर जाइए। माता जी क्या कहना चाहो, क्यों नहीं मिल रहा राशन, को कब से नहीं मिल रहा? भाई 6 महीना होगा राशन मिलाने, और दे हम तो मेरा आदमी ना कमार मैं भी ना कमाऊं, अभी बूढ़ो मैं भी बूढ़ी, और मेरे 2 बेटे उनकी शादी कर दिया, बता हम खावा के, छोरा भी ना है। अधिकारी क्या कहते हैं, डिपो धारक क्या कहता है? हो जाएगी कार्रवाई, हो जाएगी, हम कई बार तो आ लिए उरे। और जी क्या कहना चाहेंगे आप, अरशद भी हैं इस वार्ड के, और कब से राशन नहीं मिल रहा है? ये लोग पिछले छः महीने से हमारे बाहर चक्कर लगा रहे हैं डिपो धारक के। पहले डिपो धारक था इनके पास, मनमोहन बाबू सैनी के नाम से था, वो एक्सपायर हो गया ऐसे 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, उसी सप्लाई दे दी इन लोगों ने महेश को। महेश के पास ऑलरेडी जो भी अपना ऑलरेडी पहले राम बिहारी डिपो वाला था, उसका अपना केस बना था उसके ऊपर, तो उसकी सप्लाई भी महेश को, एक ऑलरेडी डिपो खुद चलाता वो ना, तो सब इनको लोगों को सप्लाई दे रहे 6 महीने से, ना तो माल दे रहे, जब भी ये लोग जाते हैं परेशान करके वापिस आ जाते हैं।